पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। बता दें कि प्रदेश के 117 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसके लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं। लेकिन मतदान से ठीक एक दिन पहले पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सिद्धू के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि पंजाब के अमृतसर सीट से प्रत्याशी सिद्धू के खिलाफ क्रिमिनल मानहानि केस दायर किया गया है, जिससे सिद्धू की मुश्किलें बढ़ना तय है। सिद्धू के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की गई है और ये याचिका चंडीगढ़ के डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने दायर की है। उन्होंने कहा, सिद्धू 2021 में एक रैली के दौरान पुलिस के खिलाफ अपनी टिप्पणियों के लिए बिना शर्त माफी मांगने में विफल रहे हैं। दरअसल ये मामला है दिसंबर 2021 का, जब सिद्धू पंजाब के पूर्व मंत्री अश्विनी सेखड़ी की रैली में पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने पंजाब पुलिस का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अश्विनी सेखड़ी अगर एक धक्का मार दे तो थानेदार की पेंट गीली हो जाती है। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि इसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। इससे पहले भी सिद्धू ने सुल्तानपुर लोधी में नवतेज सीमा की रैली में इसी तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसका चंडीगढ़ पुलिस में डीएसपी दिलशेर सिंह चंदेल ने विरोध किया था। इस मामले पर राजनीति भी शुरू हुई थी और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से पंजाब पुलिस के खिलाफ अपने बयान पर माफी की मांग की थी। पिछले दिनों में सिद्धू को कई बड़े झटके लगे हैं। ऐसे में ये मामला सिद्धू के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस ने चन्नी को सीएम फेस घोषित कर दिया था। साथ ही विक्रम सिंह मजीठिया के अमृतसर ईस्ट सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान ने सिद्धू के लिए मुकाबला कठिन बना दिया। ऐसे में आई ये खबर सिद्धू के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।